आइलैंड, और आइलैंड के जाएगा कौन भाई ये बताओ। आज चाचा के साथ, चाचा कौन, चाचा भाई कौन, चाचा भाई मोस्ट यंगेस्ट पर्सन इन अवर ग्रुप। तो बैचलर पार्टी जो होगी वो होगी पर्पल आइलैंड में, तो बस वही जा रहे हैं अभी। दो बंदों का, दो लेजी इंसानों का हम वेट कर रहे हैं, और ये चश्मा केसी नेस्टेट की कॉपी है। वो जो दो लेजी इंसान है उनमें से एक तो है हमारे गज्जू भाई। ए भाई, ए भाई भाई इतना लेट कौन आता है भाई? भाई ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है भाई? ये किधर जा रहा है? शादी, किसकी शादी है भाई? हम बीच पे जा रहे सर। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। राजा डिगी डिगी यार, ये क्या चक्कर है, ये क्या, मैं पैदल आ गया। और जो दूसरे लेजी इंसान है वो है उसामा अहमद। ये आ तो गए हैं पर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गए, वो मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम कहीं जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ा बहुत अगर सामान इंसान ले लेना तो थोड़ा सा आसानी, क्योंकि हम जिधर जा रहे हैं उधर सामान मिलने के चांसेस बड़े कम हैं। बड़ी यूनिक जगह है, है ना गज्जू भाई? बिल्कुल ठीक है। मीट गज्जू भाई, से हेलो। हेलो हेलो, यस नाउ एक्सेप्टेबल इन माय व्लॉग। तो ये सामान रखना बहुत जरूरी है भाई साहब। तीन बजे निकलना कितना सही है, यह हमें तब एहसास हुआ जब हमने रास्तों को इतना लंबा होते हुए देखा। भाई मैं पूछ, और इस वक्त बज गया है साढ़े चार बजे। पीछे मॉल में जो है उसामा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था उसामा की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए। क्या है वो? क्या? कच्छा, कैन यू बिलीव दैट? चार बज रहा है, इसका मतलब अगर हम 10 किलोमीटर दूर हैं यहाँ से, 10 किलोमीटर, यस 10 किलोमीटर एट आवर फाइनल डेस्टिनेशन। तो आई थिंक इंजॉयर जितने कतरी जा रहे हैं सब उतरी जा रहे हैं, सब उतरी जा रहे। तो आज वहाँ पे भीड़ नहीं होने वाली है, आज मज़ा होने वाला है साहब। मुझे इस खूबसूरत रोड पर फोटो लेने का बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं यहाँ पर फोटो नहीं ले पाया। तो अब मुझे समझ में आता है कि अब्बू मेरे क्यों बोलते थे कि एक घंटा पहले कहीं भी जाओ, उसकी वजह अब मुझे समझ में आई है। तो एक रूल और मेरी लाइफ में ऐड हो गया। पाँच बजे हम पहुंच गए हैं पर्पल आइलैंड, मतलब आइलैंड से बाहर हैं, अभी अंदर जाना है हमने। गज्जू भाई से आए ना, ऑलवेज सिंग दिस थम बाय, वी आर वेरी एंजॉय, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल। यही वो इंसान है जिनकी वजह से हमें हेलो कच्चा मिल गया दिखाओ
खाने पीने का सामान निकाल लो। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज यहाँ पे पहुँचना बहुत इम्पॉसिबल था, बिना आप पर्सनल गाड़ी से यहाँ नहीं पहुँच सकते। सही है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। सही जगह लाया हूँ कि नहीं अभी आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल निकलते हैं। पर्पल आइलैंड के नेम से आपको लग रहा होगा यहाँ पे सब कुछ पर्पल कलर का होगा, ऐसा मुझे भी लगा था, पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं, इट जस्ट आइलैंड। खूबसूरत बंदा यहाँ पे कैंपिंग करने का दिल कर रहा है, तो इंशाल्लाह अगले दिन किसी और बीच पे जाएंगे, यहाँ तो हम दोबारा रिपीट नहीं करते, तो वहाँ पे कैंपिंग करेंगे, समझे गज्जू भाई? इंशाल्लाह। कैंपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। मुझे लगता था कि यहाँ पे बड़ा ही शांति होगी, बड़ा ही पीस होगा, बट एक्चुअल में है नहीं, यहाँ पे बड़ी ज़्यादा भीड़ है भाई साहब। यह वक्त ऐसा हो गया, ये बड़ा ही गोल्डन पीरियड होता है, फोटोग्राफर को पता है कि ये जब सूरज जैसे सनसेट होने वाला होता है तो बड़ा गोल्डन पीरियड होता है, इसी वजह से बस मज़े कर रहे हैं भाई साहब। बस यही है, एक छोटा सा पुल है, इसके अंदर से हम ऐसे बीच पे निकल जाएंगे। कम्प्लीटली सनसेट हो चुका तो मुझे फील आया कि असली पर्पल आइलैंड इधर है। सब लोग वहाँ घंटों बैठे थे, रिलैक्स फील कर रहे थे, मुझे थोड़ी देर बाद आने लगा डिप्रेशन बिकॉज ऑफ लो लाइट, वहाँ पे लाइट थी नहीं, तो मैंने कहा कि भाई साहब अभी सब उठो यहाँ से और निकलो दूसरी डेस्टिनेशन पे। लेकिन इसके बीच में जो है ना, एक बहुत ही अहम लोग आ गए। अहम लोग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ओसामा आए अपने कच्छे के साथ कि भाई साहब इसको वापस कर दो, कि इन्होंने ये ना वापस कर दो भाई साहब। अभी ये ओसामा यहाँ पर रुका था कच्छा लेने के लिए, और अभी ये जा रहे हैं कच्छा वापिस करने के लिए। ये सीन क्या चल रहा है यार गज्जू यार, कभी कच्चा लेता है कभी कच्चा देता है, ये कच्चे पे ही व्लॉग बना दूं क्या है? कच्चे पे व्लॉग बना दो जी, कच्चा भाई वीडियो बना दो। मुझे तो लग रहा है कि ये अच्छा, ये क्या बनाया आपने? कच्चा भी देना। ओ भाई कच्चा वापिस हुआ? हो गया मिशन पास। मारा नहीं ना? नहीं क्या बोला? आइंदे से कच्चा ध्यान रखना। 10 रुपये हो गया, 15 60 रियाल में 30 लीटर तेल मिला है भाई साहब। 30 लीटर हो गया है, इतना सस्ता तेल देखा है? तो अभी हम जरा आए हुए हैं मॉल कतल, मॉल ऑफ कतल। नाइकी के शोरूम में है भाई, देख ले, जूता लेने आया है, जॉर्डन का जॉर्डन है, दिस इज जॉर्डन। इससे पहले कि मैं व्लॉग को साइन ऑफ करूं, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि पर्पल आइलैंड कतर के सबसे लास्ट पॉइंट पे है, जहां तक जाना व्हीकल से पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से इदरीस साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वहां तक लेके गए। बाकी जो साथ थे थैंक यू, जो नहीं थे उनको भी थैंक यू। बाकी ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक बेहतरीन और व्लॉग में, और अब कंसिस्टेंसी का ज़माना आना शुरू हो चुका है। थैंक यू। कच्चा वापिस हो गया, ये यही हमारा मिशन है। इतनी दूर क्या करने आते, कच्चा वापिस करने आते भाई, पहले लेने फिर वापिस करने।